स्वागत so, है आपका पी किसी ने अपडेट्स एपिसोड नंबर थ्री में जहाँ पे शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ जिसमें हम बात करते हैं पिछले हफ्ते रिलीज होने वाले कुछ मूवीज़ के बारे में तो यार सबसे पहले सबसे बड़ी मूवी ऑफकोर्स डेट डेडपूल एंड बुल्वर इन रिलीज हुई थिएटर्स में क्या सही मूवी थी इसके बारे में मैंने ऑब्वियसली मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे बात करी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका मैंने नॉन स्पॉलर वाला रिव्यू भी वहाँ पे किया है और उसके साथ ही साथ मैंने उसके ऊपर एक ऐसा भी वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने बात करी है कि कुछ अन आंसर्ड से क्वेश्चन थे मूवी देखने के बाद यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर हमें मिले नहीं मूवी में तो उसके ऊपर भी मैंने बात करी है डेफिनेटली उसको चेकआउट कर लेना आगे बढ़ते हैं पिछले हफ्ते रिलीज होने वाले सेकंड मूवी के बारे में जिसका नाम है रायन और जो एक धनुष की मूवी थी अब यार मेरे शहर में तो वो मूवी लगी नहीं तो मैं उसे देख नहीं पाया लेकिन जब यह मूवी ओ पे आएगी

भी ऑफ कोर्स पहले में रिलीज हुई थी अब आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे मैं कहूंगा ये एक अच्छी खासी रोमांटिक मूवी है जिस है जिसमें जानवी कपूर और राजकुमार राव है जिसकी लव स्टोरी है अराउंड ड्रीम्स ड्रीम्स चेसिंग और ऑब्वियसली क्रिकेट को एक सेंटर पॉइंट उन्होंने पकड़ा है मुझे मूवी अच्छी खासी लगी थी टू बी ऑनेस्ट इसका भी मैंने रिव्यू किया है डिटेल में जब ये मूवी थिएटर्स में आई थी उसको भी अभी आप रेकआउट कर सकते हो अब बात करते हैं हमारे कुछ ट्रेलर रिलीज के बारे में तो फिर आई हसीन दुल रुबा इस मूवी का ट्रेलर आया इस वीक और इसके ऊपर मैंने रिएक्शन भी किया है और इसका मैंने रिव्यू भी किया है रिव्यू आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा और इसका जो रिएक्शन है ये मैंने मेरे नए चैनल पे अपलोड किया है जिसका नाम मैंने रखा है पीकी अथर्व इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पे मैं सारे इंडियन मूवीज और सारे हॉलीवुड सारे मूवीज के ऊपर मैं वहां पे मेरा रिएक्शन देने वाला हूँ तो प्लीज उसको भी चेकआउट कर लेना लेकिन अगर मैं इस मूवी के ट्रेलर की बात करू तो ये मूवी फिर आई हसीन दुल रूबा ये एक सीक्वल मूवी है हसीन दिल रूबा मूवी की जो आई थी दो में जिसमें हमें देखने को मिले थे तापसी पन्नू विक्रांत मासे और हर्षवर्धन राे ने अब मुझे ऑनेस्टली इतनी ज्यादा मूवी पसंद नहीं आई लेकिन जो नई मूवी आने वाली है

अलग अलग लोगों के बारे में वो सीक्रेट्स रिवील करना शुरू होते हैं जहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है अब इस मूवी को बताया तो जा रहा है कि कॉमेडी मूवी है लेकिन देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है इसके कास्ट में हमें देखने को मिलने वाले हैं अक्षय कुमार तापसी पन्नू वानी कपूर आदित्य सील एमी वर्क फरदीन खान और प्रज्ञा जयसवाल अब अक्षय कुमार की मूवी के बारे में हम बात कर रही है तो एक और अक्षय कुमार की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं मूवी है जॉली एल एलबी थ्री अब जॉली एल एलबी थ्री को एक रिलीज डेट मिल चुकी है जो होने वाली है दस अप्रैल दो हजार पच्चीस यानी कि अगले साल और इस डेट पे एक्चुअली पहले टॉक्सिक मूवी रिलीज होने वाली थी जो यश की मूवी है लेकिन अभी टॉक्सिक मूवी की रिलीज डेट चेंज होने वाली है तो इसके वजह से ये रिलीज डेट मिल चुकी है जॉली एल एलबी थ्री को अब टॉक्सिक के बारे में हमने बात करना शुरू

को मिलने वाली है जो एक नेगेटिव रोल में हमें देखने को मिलने वाली है अब बात करते हैं सूर्या के बारे में तो सूर्या का पिछले हफ्ते था बर्थडे तो उस बर्थडे के दिन उनके एक नई मूवी के बारे में कुछ हमें ग्लिम्स देखने को मिली उनके नई मूवी का नाम ऑफकोर्स हमें पता नहीं है तो इसलिए उनकी फोर्टी मूवी है तो इसलिए उसका नाम अभी तक रखा है सूर्या फोर्टी जिसका ग्लिम्स ना मुझे सच में काफी पसंद आया मतलब एक सेवेंटीज एटीज के गैंगस्टर मूवी की वाइब आ रही थी देख के भी और उसका म्यूजिक सुन के भी मुझे तो काफी पसंद आया इसका ग्लिम्स और ऑफकोर्स ये बात है कि ये जो ग्लिम्स है तो ये मूवी का पार्ट नहीं होने वाला है ये उनके बर्थडे के दिन एक का पार्ट नहीं होने वाला जो टाइटल रिलीज होने वाला है तो उसके लिए एक टीजर वो रिलीज करने वाले है, वो जल्दी देखने को मिलेगा हमें फिर अब बात करते हैं ऐसे कोलाब्रेशन के बारे में जो अगर होता है तो यार मैं उसको देखने के लिए काफी देखने को मिल सकते हैं कोंकना सेन शर्मा और प्रतिभा प्रतिभांधा जो अभी हाल ही में लापता लेडीज से काफी फेमस हुई है और कोंकना सी एन शर्मा तो बोलने की जरूरत है की काफी अक्लेम्ड एक्ट्रेस है और अभी उनके साथ प्रतिभा प्रतिभांधा देखने को मिलने वाली है और बाय द वे ये एक नेटफ्लिक्स की मूवी होने वाली है जिसकी स्टोरी होने वाली है अराउंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वीमेन अब किस तरीके का रिलेशनशिप के ये बारे में बात कर रही है इसके बारे में हमें आइडिया है नहीं लेकिन इसको प्रोड्यूस करने वाले है धर्मैटिक एंटरटेनमेंट जो धर्मा प्रोडक्शन का ही ओटी वाला डिविजन है और इसमें और भी बड़ी कास्ट होने वाली है जिसकी कास्टिंग होना अभी बाकी है अब बात करते हैं हमारी आखिरी अपडेट के

जल्दी जाके देखो एनी वेज तुम्ब मूवी के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे इस सीरीज को डायरेक्ट करने वाले हैं और इस सीरीज का बाय द वे इस हफ्ते हमें ऑफिशियल नाम देखने को मिला और पोस्टर देखने को मिला नाम होने वाला है रक्त ब्रह्मांड द प्लडि किंगडम एनी वेज नीचे कमेंट्स में जाके बताना कि तुम्हें इन सारे अपडेट्स में से कौन सी अपडेट ज्यादा पसंद आई और अगर तुम्हारे पास भी कोई अपडेट होगी तो उसको भी कमेंट में लिख के जाना एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग